वक्त तो पूरा हो गया है। अरहम, पापा इसे मना कर लें। मेरे बुक के पेपर्स पलट दिए इसने, मैं होमवर्क कर रही हूँ। अरहम बेटा, क्यों तंग कर रहे हो बहन को? पापा, ये मुझसे पहले होमवर्क करने बैठी थी, अभी तक नहीं हुआ इसका। मैं इसके बाद होमवर्क करने बैठा था और उससे पहले फारिग हो गया। तो मेरी क्लास भी तुमसे बड़ी है। अच्छा, तुम कौन सा यूनिवर्सिटी में पहुंच गई हो? तुम मुझसे दो क्लासेस ही तो आगे हो। काशिफ, कुछ सामान हटाने में मेरी मदद करें, बारिश आने वाली है। अरहम, तुम मेरे साथ छत पर चलो, धुले हुए कपड़े उतार कर नीचे लाने में मेरी मदद करो। मैं पापा के साथ सामान हटाता हूँ, आप जैना भाभी को साथ ले जाइए ना। प्लीज मामा, इसे ही ले जाइए। तुम्हें पता है ना उसे ऐसे मौसम से डर लगता है। डरपोक गई की। मामा, इसे समझा लें, इसने मुझसे मार खा लेनी है। अरहम, मैं तो छत पर जा रहा हूँ, मारना हो तो वहाँ पे आगे मार लेना। मैं ये वाली खिड़की तो खुले रहने देती हूँ, इतनी अच्छी हवा आ रही है। कमरे में पानी आ जाएगा अरहम। अच्छा, तुमने कपड़े किस जगह रखे हैं नीचे लाकर? बेड पर रख दिए हैं। चलो ठीक है, लाइट आएगी तो मैं उन्हें तय कर लूंगी। एक तो कमबख्त बारिश आने से पहले ही लाइट चली जाती है। तुम्हारे पापा नहीं आए अभी? नहीं, अभी तो नहीं आए। उफ, रख दिया सारा सामान महफूज जगह पर। बड़ा मजे का मौसम हो गया, पकौड़े ही बना लाओ। अच्छा, बना लाती हूँ, आप बच्चों के पास ही रहिएगा, बादल गरजने से डरते हैं ये। सिर्फ ये डरती है। तो तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। पापा! अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे डर नहीं लगता। कभी कभी लगता है डर, जब जोर से बिजली कड़कती है। चलो इधर आओ मेरे पास। जैनब बेटा, अभी मेरे पास आओ। जी पापा। बेटा, बारिश अल्लाह की रहमत होती है, आपको इस तरह डरना नहीं चाहिए। नहीं पापा, मुझे बारिश से तो डर नहीं लगता, लेकिन जब ये बादल जोर से गरजते हैं तो डर लगता है। बेटा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बादल गरजने और बिजली के कड़कने से सभी को डर लगता है, लेकिन हमें अपने डर पे काबू पाना होता है। जब मैं छोटा था तब मुझे भी डर लगता था और शायद अभी भी लगता है, क्योंकि बादल गरजने और बिजली कड़कने से एक हैबत का एहसास होता है। लेकिन इस सूरत में हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए। बेटा, हमारा ताल्लुक जिस खूबसूरत दीन से है, उसने हर जगह हमारी रहनुमाई की है, हमारे हर डर, हमारे हर खौफ को दूर करने का सामान किया है। जब भी बादल गरजे या बिजली कड़के तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, सुबहानल्लज़ी युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। पाक है वो ज़ात की गरज जिसकी हम्द के साथ तस्बीह करती है और फरिश्ते उसके डर से तस्बीह करते हैं। पापा, क्या फरिश्तों को भी डर लगता है? हाँ बेटा, अल्लाह के जलाल और हैबत से फरिश्ते भी डरते हैं, और अल्लाह ने बादल के गरजने और बिजली के कड़कने में जलाल और हैबत रखी है, इसलिए हमारे दिल पर इसका खौफ तारी होता है। और ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है, बस जब हमें डर लगे तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करनी चाहिए, उसे रहमत और सलामती की दुआ करनी चाहिए, फिर देखना वह हर खौफ को हमसे दूर कर देगा। बेटा, हमें बारिश के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला इस बारिश को हमारे लिए नफा बख्श बनाए और ये बारिश हमारे लिए किसी नुकसान का बाइस न बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश हुआ करती तो ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। इसका तर्जमा ये है कि ऐ अल्लाह, इस बारिश को फ़ायदा मंद बना। और जब बारिश रुक जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाली दुआ मांगा करते थे, मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाही व रहमतिही। इसका मतलब ये है, हम अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के साथ बारिश से नवाजे गए, तो बेटा हमें भी इन दुआओं को याद रखना चाहिए, और जब भी बारिश आए या बादल गरजें तो हमें इन दुआओं को पढ़ना चाहिए और अल्लाह तबारक व ताला से फजल और रहमत की उम्मीद करनी चाहिए। पापा, अगर बहुत बारिशें होने लगी और बारिश रुकी ना रही हो तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बेटा, इस हवाले से भी हमें किताबों में एक वाक्य मिलता है,
कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक आदमी ने खड़े होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बारिश की कसरत की वजह से हमारे जानवर हलाक हो गए, रास्ते बंद हो गए, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि बारिश बंद हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल अअकामी वज़्ज़िराबी वबुतूनिल औदियति वमनाबितिश्शजरी। इसका तर्जमा है कि ऐ अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा और अब हम पर ना बरसा। ऐ अल्लाह, टीलों, पहाड़ियों, वादियों के दरमियान और दरख्तों के उगने की जगह पर बारिश बरसा। तो बच्चों, अगर बारिश बहुत ज़्यादा होने लगे और कई दिन तक जारी रहे तो हमें भी ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए। और पापा, कहीं बारिश ना हो रही हो और उस जगह खुश्कसाली हो जाए तो उसके लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बेटा, जो वाक्य मैंने अभी आपको सुनाया है, असल में वो कहत साली की दुआ से ही शुरू होता है। हुआ कुछ यूँ था कि एक बार मदीना शरीफ में बारिशें नहीं हुई और कहत साली हो गई, लोगों की फसलें तबाह हो गईं और जानवर पानी की कमी की वजह से मरने लगे। तो एक शख्स ने जुमा के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमा रहे थे, खड़े होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बारिश ना होने की वजह से हम बहुत मुश्किल का शिकार हैं, पानी की कमी की वजह से हमारे जानवर मर रहे हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें बारिश अता फरमाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा स्किना गैसन मुगीसन मरीअन मरीअन नाफियन गैर बारिन आजिलन गैर आजिल। इसका तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह, हमें ऐसी बारिश से सैराब कर जो मददगार, खुशगवार, सरसब्ज करने वाली और मुफीद हो। तो पता है बच्चों, फिर क्या हुआ? क्या हुआ पापा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मांगने से पहले आसमान बिल्कुल साफ था और कहीं बादल का कोई नामो निशान नहीं था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठाते ही बादल नजर आने लगे और दुआ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे लाने से पहले ही बारिश होने लगी। पापा, दुआ इतनी जल्दी भी कबूल हो जाती है? हाँ बेटा, अगर दुआ मांगने वाला अल्लाह का बरगुजीदा बंदा हो तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुकर्रब और बरगुजीदा हस्ती और कोई नहीं है, इसलिए लोग मुसीबत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला फौरन उस मुसीबत को लोगों से दूर फरमा देता था। पापा, अगर हम दुआ मांगे तो हमारी दुआ भी इसी तरह कबूल हो जाएगी? क्यों नहीं बेटा, अल्लाह तबारक व तआला बच्चों से बहुत प्यार फरमाता है और उनकी दुआ फौरन कबूल फरमा लेता है। पापा, मैं ये सारी दुआएं याद करूंगी। मैं तुमसे पहले याद कर लूंगा, देख लेना। स्कूल का सबक तो तुम्हें याद होता नहीं। मैं हमेशा तुमसे पहले होमवर्क कर लेता हूँ, तुम्हारा तो अभी तक बाकी है। चलो भाई, गर्मा गर्म पकौड़े आ गए। वाओ!